थेरी एट्रीब्यूशन थेरी वॉज डू एक्सप्लेन हाउ वी जज पीपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वट मीनिंग वी एट्रीब्यूटि बिहेवियर हम किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को क्या मीनिंग देते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है उसको बेसिकली एट्रीब्यूशन थेरी हम लोग बोलते हैं internally caused behavior are those that are believed to be under the personal control of the individual some is are your control and some are beyond control for example you get control your anger at your behavior although it is under your control then how you will behave in that situation their determinations however depends on three factors distinctiveness consensus and consistency consensus कैसे किस चीज़ के डिसीजन पे पहुंचते हैं कुछ लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होते हैं कुछ लोग दो चार पांच लोगों से मुशावरत करके डिसीजन लेते हैं कंसेंसिस के साथ कंसिस्टेंट आप अपने बिहेवियर में है कि आप डिसीजन ले रही है आप उस पर स्टैंड कर रहे हैं और डिस्टिंगटिवनेस फिर आपके जो डिसीजन है वो बाकी से यूनिक हैं तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूशन थेरी का डे स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स होती हैं शॉर्टकट यूज्ड इन जजिंग अदर्स इंप्लीकेशन फॉर मैनेजर्स समटाइम प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि हम लोगों को पाँच दस बीस मिनट में जज करने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं है आप लोगों को कम परसेंटेज उनकी जज कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट जज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजी टू जज अदर्स इफ़ वी एज्यूम दैट दे आर सिमिलर टू अस अगर वो हमारे रिलेटेड हैं हमारी तरह के हैं तो उनको जज करना आसान है इन एज्यूम्ड सिमिलरिटी आर लाइक मी

आप हो सकता है कि टास्क को प्रॉपर वे में डेली ना कर रहे हो सही तरीके से हैंडल ही ना कर रहे हों टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सही ले ना रहे हों दूसरा बंदा हो सकता है आपसे बैटल ले रहा हो हाउ यू कैन से दैट ही इज़ जस्ट लाइक मी तो इसका मतलब है ये वाइस वर्सा भी हो सकता है तो शॉर्टकट को यूज़ करना एम्प्लॉज़ को जज करने के लिए ये कोई बेटर अप्रोच नहीं है वेन वी जज समन ऑन द बेसिस ऑफ अवर परसेप्शन ऑफ अ ग्रुप आर ही शी पार्ट ऑफ हुई आर यूजिंग दी शॉट कट कॉल स्टूडियो टाइपिंग क्योंकि वो जो बाकी ग्रुप में पाँच लोग हैं सारे इस तरह के हैं ये स्टूडियो टाइपिंग है अब स्टूडियो टाइपिंग जो है ये सही नहीं है हम तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ को एक सिंगल पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हुआ. हर बंदे का एटीच्यूड बिहेवियर थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है तो दे डेफिनेटली बिहेव डिफरेंटली ऑल दो दे आर पार्ट ऑफ सम टीम सम पार्ट ऑफ ग्रुप उस बेस पे हम उनको स्टीडियोटाइप की डेफिनेशन में नहीं ला सकते वेन वी फॉर्म अ जनरल इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन आज द बेसिस ऑफ अ सिंगल करेक्टरिस्टिक सच एज इंटेलिजेंस सोशल एबिलिटी और अपीयेंस वी आर बींग इन्फ्लुएंस बाई दी हेलो इफेक्ट किसी एक पर्सनैलिटी की बेस पर किसी बंदे को जज करना हेलो इफेक्ट है हालांकि हर बंदे में अल्लाह ताली की ज़ात ने एक पर्सनलिटी ट्रेड्स नहीं रखे हुए कई हैं कोई सच बोलता है कोई झूठ बोलता है कोई कमिटेड है कोई हार्ड वर्कर है कोई इंटेलिजेंट है किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आप एक वेस्ट पर कहेंगे no. कह तो ये हेलो इफेक्ट है अब उस बंदे की पर्सनैलिटी में बहुत हैं उन सब को देखना चाहिए जब आप उसको डील कर रहे हो लर्निंग लर्निंग आसान सी बेटर डेफिनेशन है जिसका मतलब ये होता है कंटिन्यूस चेंज इन योर परमानेंट बिहेवियर इंसान के बिहेवियर में जो मुख्तलिफ तब्दीली आती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज ड्यू टू लर्निंग ये लर्निंग की वजह से और यही इसकी आसान सी डेफिनेशन भी है कि इंसान की परसैप्शन से लेके बिहेवियर बनने तक का अमल जो है उसके बीच में जो प्रोसेस है वो सारा लर्निंग का है ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बेसिकली साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं इसमें मुख्तल थेरीज भी हैं जिसको हम देखते हैं ऑपरेंट कंडिशन आलगूज दैट बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस इंसान का बिहेवियर अपने कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए चेंज कर लेते हैं आप अब गुस्से में हैं अगला बंदा ताकत वाला है कि आप उसको उस वक्त पुश करेंगे अगला वीक है आप उसको पुश कर देते हैं क्योंकि आपको मालूम है ये वीक है ये मुझे कुछ नहीं कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ सम टाइम आप अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसिस को देखते हुए वो बिहेव कर रहे होते हैं तो दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग री इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन बिहेवियर एंड इंक्रीज द दैट इट विल बी रिपीटेड अगर पॉजिटिव काम आप कर रहे हैं तो उसको रिपीट आप कर रहे होते हैं और वही एक्टिविटी को रिपीटली करना री इनफोर्समेंट कहलाता है आर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लाई को अच्छी सैलरी दे रहे हैं अच्छा वर्किंग एन्वायरमेंट दे रहे हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है दिस इज डू टू री इन्फोर्समेंट सोशल लर्निंग एट द रॉकेट्स आर वेल अवेयर इंडिविजुअल्स कैन आल्सो लर्न बाई ऑब्जर्विंग वाट हैोल्ड अबाउट सम टाइम एज वेल एज बाई डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस लोग क्या बिहेव कर रहे हैं लोग क्या काम कर रहे हैं या मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया इन दोनों चीज़ों से लर्न लर्निंग होनी चाहिए लोगों से सीखना चाहिए अपना बिहेवियर से अपने एक्सपीरियंस से तो हर बंदा सीख सकता है वाइज मैन इज दोज पर्सन वाइज मैन आर दोज पर्सन हु लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स सोशल लर्निंग के अंदर फर्दर देखा जाए तो फोर डिटर्मेंट्स हैं इसके प्रोसेस के इसमें अटेंशनल प्रोसेस है प्रोसेस है मोटर प्रोडक्शन प्रोसेस है हैदी इन्फोर्समेंट प्रोसेस है अगर इसकी पहली दो लाइनें देखी जाए डी स्टूडेंट सोशल लर्निंग की द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स इज सेंट्रल टू सोशल लर्निंग व्यू पॉइंट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर दूसरों का जो आपकी पर्सनलिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस है इसको हम सोशल लर्निंग बोलते हैं मसलन वाले का आपकी पर्सनलिटी पे भाई का आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट बाप का आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट रेलिटिवस का अंकल आंटी सिस्टर ला ब्रदर इनला इन लोगों का जो आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट है डेफिनेटली इट विल विलीव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी ये सोशल लर्निंग है इन चीजों से इंसान सीखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट well उनका यह कंसर्न नहीं है कि आपका बिहेवियर कैसा है वो जाते हैं ऐसा बिहेवियर हो जो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में हो अगर बिहेवियर ऐसा नहीं है नो प्रॉब्लम उसको मोल्ड कर लें उस बिहेवियर में जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में हो तो इस तरह के बिहेवियर को जब शेप कर लिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में फिट हो जाता है दिस इज एक्सीलेंट बिहेवियर और यही मैनेजर की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने सब को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में फिट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकें